तो इलेक्शन एक्सप्रेस में हम कोशिश करते हैं हर चुनावी खबर से आपको खबरदार करने की, वो खबर बताने की, ना केवल वो खबर बताते बल्कि उसकी एनालिसिस की भी कोशिश करते हैं कि आखिर उस खबर का मतलब क्या है। अगर दूरगामी देखें तो विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो वो खबर कितना असर रखती है, जिसमें एक सबसे अहम खबर निकल कर आई है सीएम के मास्टर स्ट्रोक की, उस खबर पर नजर डालेंगे और साथ ही कांग्रेस के कुर्सी की रार भी आपको दिखाएंगे कि आखिर ये किस्सा कुर्सी का क्या है और किस तरह से कांग्रेस कलह में नजर आती है। लेकिन सबसे पहले सीएम के मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं, जिसने एक बड़ी राहत दे दी है आम जनता को, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी अब पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या मास्टर स्ट्रोक है वो आप समझ गए होंगे। जी हाँ, पेट्रोल डीजल की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर सीएम वसुंधरा राजे ने अपनी एक जनसभा से ऐलान कर दिया है कि डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी की जाएगी। वैट को कम करने का ऐलान किया गया है कि 4% वैट कम किया जाएगा और इससे प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी गई है। तो सीएम राजे ने रावतसर में पेट्रोल डीजल में वैट घटाने का ऐलान किया है। पेट्रोल डीजल पर 4% वैट घटाने की घोषणा की गई मंच से। इससे लोगों को अब सस्ता पेट्रोल डीजल उपलब्ध हो सकेगा और कहा यह जा रहा है कि इस फैसले के बाद 2 से 2.5 रुपए तक की राहत आम जनता को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के भारत बंद को तगड़ा झटका लगा है, यह कहा जा रहा है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों और महंगाई को लेकर कांग्रेस ने कल भारत बंद का ऐलान किया है। बंद से एक दिन पहले सीएम राजे ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। लोगों का मानना है कि कांग्रेस के बंद पर इसका असर पड़ सकता है। तो जो एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर के, उस पर सीएम ने अब पानी फेरने का काम किया है। अब कल क्या स्टैंड होता है कांग्रेस का, यह भी देखना रोचक होगा, क्योंकि 4% वैट बहुत बड़ी राहत है आम जनता के लिए। दौरे में बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि पिछले कुछ टाइम से उसका प्रेशर, पेट्रोल डीजल का बहुत प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा है। मैंने फिर सब लोगों से बात करने के बाद ये तय किया आज कि वाकई में है, और इसलिए सरकार को मैंने इसको वहन करना ज़रूर पड़ेगा। परंतु अगर हम जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, घर के अंदर बजट बिगड़ जाता है, उसके बारे में भी अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कहा कि जितना इनकी मदद कर सकते हैं उतना अपन मदद करें। तो हमने ये तय किया है कि वैट एंड डीजल दोनों के ऊपर, डीजल एंड पेट्रोल के ऊपर वैट को 4% कमी कर दिया जाए, ताकि लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। और दिस मीन्स कि 2000 करोड़ का, मैंने क्या बोलेंगे आपका भार, 2000 करोड़ का भार सरकार को वहन करना पड़ेगा, परंतु इट्स वर्थ इट। आपने एक तरह कांग्रेस से बहुत बड़ा मुद्दा छीन लिया, जिस प्रकार क्या मुद्दा, जिस प्रकार का कांग्रेस बंद करने की कोशिश, अरे भाई मैं तंग आ गई हूँ। 4-5 महीने तक ही तो गायब थे, 4.5 साल मैंने कभी देखा ही नहीं, 4.5 साल देखा नहीं, मुंह विधानसभा के अंदर खोला नहीं, कुछ नहीं। और एकदम से ये चुनाव क्या आ गए हैं कि एकदम से निकल के उनको मुद्दे मिल रहे हैं, किसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ये पहले भी कर सकते थे, कभी नहीं किया। उनको छोड़ दो, अपन इसके बारे में अपन नहीं पढ़ें, अपन इतना ही सोचें कि अपने राजस्थान के लोगों को राहत देने की ज़रूरत थी। अभी काफ़ी भार पड़ा था उन लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी जो पढ़ने जाते हैं, किसानों के ऊपर तो है ही है। और इसलिए हमने सोचा कि वैट के ऊपर अगर 4% अपन नीचे ले आते हैं तो इसे 2.5-2.5 रुपये कम हो जाएगा, तो इसका फ़ायदा।